इंदौर से विजय वर्गी के बेटे का टिकट काटा, आगे क्या? समर्थकों का तर्क पिता को टिकट, लेकिन वजह बहुचर्चित बल्ला कांड भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस घटना के पीछे किसका बेटा है। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार और घमंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनमानी नहीं चलेगी। जिन लोगों ने उसे आकाश को प्रोत्साहित किया, उन्हें भी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। 2019 में ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय के बल्ला कांड पर कही थी। ये घटनाक्रम तब का है जब इंदौर 3 सीट से आकाश को विधायक बने गिने चुने 6-7 महीने हुए थे। अब भाजपा ने बिना संगठन में एडजस्ट किया आकाश का टिकट काट दिया है, जिससे समर्थक निराश दिख रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि पिता कैलाश को टिकट देने के चलते ऐसा हुआ। कहीं भी पार्टी ने पिता पुत्र को टिकट नहीं दिया है। पार्टी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, इसलिए आकाश ने खुद ही दावेदारी से इनकार कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग कहते हैं कि एक तरह से ये ठीक हुआ कि पिता के साथ आकाश विजयवर्गीय को दूसरी सीट से नहीं उतारा गया। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, दूसरी सीटों को जिताने की भी जिम्मेदारी है। यदि बेटे आकाश को भी उम्मीदवार बना देते तो पार्टी को दो तरह की दिक्कतें हो जाती। पहला परिवारवाद का आरोप लगता, दूसरा कैलाश विजयवर्गीय के लिए इंदौर 1 कौन संभालता, आकाश के लिए इंदौर 3 कौन। अब आकाश पूरी तरह से इंदौर 1 पर पिता के लिए फोकस कर पा रहे हैं। बता दें कि विजयवर्गीय परिवार के लिए कहानी एक हद तक रिवर्स हुई है। 2018 में सीटिंग MLA रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय संगठन में भेजा गया था। इस बार अलग यही है कि बेटे आकाश के लिए अब तक ऑप्शंस घोषित नहीं किया है। बस यही समर्थकों को खटक रहा है। टिकट कटने के दो बड़े कारण। 4 साल पुराने बल्ला कांड पर प्रधानमंत्री नाराज हुए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ मतों से दूसरी बार जीते ही थे। इस बीच वीडियो वायरल हो गया कि इंदौर 3 के विधायक आकाश ने इंदौर में नगर निगम के अधिकारी धीरेन्द्र बायस पर बल्ला चला दिया है। बल्ला कांड की ज्यादा गूंज इसलिए रही क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लाई बीजेपी। तब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2018 हार चुकी थी। मंथन के वक्त में इस तरह के घटनाक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए थे। बाद में मामला कानूनी तरीके से सुलझ भी गया, लेकिन ये वीडियो आज तक वायरल हो रहा है। आकाश विजयवर्गीय पहली बार चुनाव लड़े थे और मात्र 5,751 वोट से जीते थे। परिवारवाद के आरोपों से बचना चाहती है बीजेपी। आकाश के टिकट कटने के पीछे पिता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलना भी एक वजह है। पार्टी पिता पुत्र को टिकट देकर परिवारवाद के आरोपों से बचना चाहती है। ऐसा देखने में नहीं आया है कि पार्टी ने कहीं भी एक साथ पिता पुत्र या पुत्री को टिकट दे दिया हो। पिता को टिकट नहीं देने पर पुत्र या पुत्री को टिकट बीजेपी ने दिए हैं। आकाश को टिकट मिलता तो सीधे सीधे परिवारवाद के आरोपों से पार्टी घिर जाती और इसके बचाव में कोई तर्क भी पार्टी के पास नहीं था। पिता कैलाश विजयवर्गीय ने जब चुनाव नहीं लड़ा था, तब पार्टी ने उनके स्थान पर आकाश को टिकट दिया था। राजनीतिक भविष्य के लिए क्या संभावनाएं? पिता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 सहित मालवा निमाड़ में बड़ी जीत दर्ज करते कराते हैं तो वे बेटे को संगठन या सरकार में एडजस्ट करवा सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का परफॉर्मेंस ही आकाश का भविष्य तय करने वाला होगा। इंदौर 1, 2 और 3 के टिकट विजयवर्गीय के खाते में ही गए हैं। आकाश को निगम मंडल ITA में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें परिवारवाद का आरोप लग सकता है। संगठन में ही उनके लिए सबसे बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग इसे लेकर कहते हैं कि विजयवर्गीय के बेटे का इस फैसले से बिल्कुल विपरीत असर नहीं पड़ेगा। यदि वे इंदौर 1 सीट से जीत जाते हैं तो संभावना है कि उन्हें अगला लोकसभा चुनाव इंदौर से ही लड़ाया जाए। बेटे को इंदौर 1 से उपचुनाव लड़वाएं। ये बात जरूरी है कि बल्ला कांड से प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाराज हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।